वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ अबाउट परसेप्शन। और परसेप्शन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी, दैट विल मेक मोर ईजियर ये समझने के लिए कि परसेप्शन होता क्या है। तो एक बार एक टीचर होती है, वो छोटे से बच्चे को बोलती है कि इफ़ आई गिव यू एन एप्पल एंड एन एप्पल एंड एन एप्पल, तो टोटल आपके पास कितने एप्पल हो जाएंगे। तो उस बच्चे का आंसर होता है 4। वो टीचर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, वो दोबारा से उससे सेम क्वेश्चन करती है और जो बच्चा होता है वो दोबारा से 4 ही आंसर देता है। फिर उसे लगता है कि शायद एप्पल जो है वो बच्चे का बहुत फेवरेट फ्रूट होगा, मे बी इसीलिए वो इसको इस तरीके से एस्टिमेट कर रहा है। तो वो पूछती है कि इफ़ आई गिव यू अ स्ट्रॉबेरी, तो आपके पास टोटल कितनी स्ट्रॉबेरीज होंगी। तब वो बच्चा कॉन्फिडेंटली बोलता है 3। अब टीचर को लगता है कि शायद अब बच्चा इजीली उस आंसर को दोबारा दे पाएगा और वो एप्पल वाला आंसर को ही दोबारा रिपीट करती है, तो वो दोबारा से उसका आंसर 4 देता है। फिर उसे लगता है कि यार ये 4 क्यों बोल रहा है। फिर वो बच्चे से पूछती है कि जब मैंने तुम्हें स्ट्रॉबेरीज का पूछा था तब तो तुमने 3 बोला, बट जब मैं तुम्हें एप्पल का पूछ रही हूँ तब तुम 4 क्यों बोल रहे हो। तो वो बच्चा कहता है बिकॉज आई ऑलरेडी हैव एन एप्पल इन माई बैग। तो अब आप समझ ही गए होंगे, परसेप्शन का मतलब है कि आप चीज़ों को सामने वाले के नज़रिए से किस तरीके से देख सकते हो या आपका क्या नज़रिया है। ये एक देखने का ही नज़रिया है जो हर किसी का अलग होता है, तभी हम बोलते हैं कि एक सेम चीज़ को दो जने अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं। एंड यही ये स्टोरी सुनाने के पीछे रीज़न था, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि परसेप्शन एक्चुअल में है क्या, ये हमारे देखने का एक नज़रिया है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। सो व्हाट इज़ परसेप्शन। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसे इंटरप्रिटेट करते हैं और उसे एक मीनिंग देते हैं। तो ये जो हम रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और किसी भी चीज़ को एक मीनिंग दे रहे हैं, वो हम हमारे हिसाब से देते हैं, हमारी प्रायर नॉलेज के हिसाब से देते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से देते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, दो जने खड़े हैं एंड वो अपोजिट खड़े हैं। एक इंसान के लिए ये नंबर 6 है, तो वहीं दूसरे इंसान के लिए वो नंबर 9 हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट परसेप्शन इज़ ऑल अबाउट। सो यही मेरा मेन रीज़न था आपको ये स्टोरी सुनाने का। नाउ फर्दर वी मूव अबाउट, तो हम ये देखेंगे कि परसेप्शन में दो तरीके की प्रोसेसिंग आती है, एक होती है बॉटम अप और दूसरी होती है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग और टॉप डाउन प्रोसेसिंग आपने कई बार सुनी होगी, बट लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके। सो आज मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगी कि जो बॉटम अप प्रोसेसिंग है इसका मतलब क्या है, कि हम जो भी हमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हमें सुनाई दे रहा है, जो भी हमारे सेंसेस हमें बता रहे हैं, हम जब उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं और किसी भी चीज़ को उस हिसाब से परसीव करते हैं, तो उसे हम बॉटम अप प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस के हिसाब से करें, जो हमारे स्टोर्ड आइडियाज़ हैं, जो हमारे मन के अंदर पहले से ही बने हुए थॉट्स हैं, उनके हिसाब से जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो हमारी टॉप डाउन प्रोसेसिंग हो जाती है। ठीक है, नाउ ये स्टार्ट कैसे होती है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट में देखते हैं अपने आसपास, तब हम उसे परसीव करना स्टार्ट कर देते हैं, और सेम ही चीज़ दो लोगों के लिए डिफरेंटली परसीव हो सकती है। सो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे परसेप्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दो लोग सेम चीज़ को डिफरेंटली परसीव कर रहे हैं। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये चारों फैक्टर्स हैं। कुछ कॉग्निटिव स्टाइल्स हैं, एक मोटिवेशन, कुछ परसेप्चुअल सेट या एक्सपेक्टेंसी है इंसान की, और लास्ट आता है उसका कल्चरल बैकग्राउंड। सो कॉग्निटिव स्टाइल्स क्या हैं। हर्मन जो थे, उन्होंने दो टाइप के कॉग्निटिव स्टाइल्स दिए थे, दैट इज़ फील्ड डिपेंडेंट कॉग्निटिव स्टाइल एंड फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड डिपेंडेंट कॉग्निटिव स्टाइल का क्या मतलब है, कि यहाँ पर जो भी पर्सन किसी चीज़ को परसीव करेगा, उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके या चीज़ों को तोड़ के परसीव करे। वो किसी भी चीज़ का एक होलिस्टिक व्यू लेगा। अगर हमने उसको एक सीनरी दिखाई, तो उसे उस सीनरी में पेड़
अलग, घर अलग या पहाड़ अलग नहीं दिखेंगे, बल्कि उसे वो एक पूरा सीन दिखाई देगा कि ये एक सीनरी बनी हुई है। साथ ही अगर हम फील्ड इंडिपेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे जो व्यक्ति होता है उसकी जो एबिलिटी होती है उसके अंदर कि वो डिटेल्स को सेपरेट कर पाता है कॉन्टेक्स्ट में से, और वो एक एनालिटिकल व्यू लेके चलता है। वो इजीली बता सकता है कि इस सीनरी में ये पेड़ अलग है, वहीं ये पहाड़ अलग है, ये घर अलग है। तो वो एक एनालिटिकल व्यू लेके चलता है, वहाँ पे वो एज अ होल परसीव नहीं करता उस चीज़ को। सो ये दो टाइप के हमारे इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट कॉग्निटिव स्टाइल्स होते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या मतलब है कि हमारे अंदर कितनी डिज़ायर है या हमें कितनी ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, उतना ही हम स्ट्रॉन्गली चीज़ों को परसीव करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल अटेंशन में एक एग्जांपल दिया था कि जब आपको भूख लगी होती है तब आपको एडवर्टीज़मेंट्स जो भी फूड से रिलेटेड होती हैं या फिर कोई भी अगर खाने से रिलेटेड बात कर रहा होता है तो आपका ध्यान एकदम जाता है। तो सेम यही हमारे परसेप्शन में भी होता है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा परसीव करते हैं जो चीज़ें हमें जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस पर एक स्टडी भी करी गई थी, ब्रूनर और गुडमैन ने करी थी, जहाँ पे उन्होंने देखा था कि जो पुअर बच्चे होते हैं रिलेटिवली कंपेयर टू रिच चिल्ड्रन, उन्हें उन्होंने कॉइन्स दिखाए थे। तो उन्हीं बच्चों ने उन कॉइन्स की ड्राइंग बड़ी बनाई थी और जो रिच बच्चे थे उन्होंने उन कॉइन्स की ड्राइंग छोटी बनाई, क्योंकि उन्होंने बड़ी इसीलिए बनाई बिकॉज़ उन्हें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें पैसे की वैल्यू पता है, इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को बहुत बड़ा ड्रॉ करा था। सो मोटिवेशन इज़ ऑल अबाउट कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा परसीव करेंगे। उसके बाद अब हमारे पास आता है परसेप्चुअल सेट या फिर एक्सपेक्टेंसी। अब ये क्या है, ये हमारी एक टेंडेंसी है क्या करने की, किसी भी चीज़ को परसीव करने की जिससे हम जैसे ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि एक हमारा परसेप्चुअल सेट बना हुआ है। ठीक है, हमें पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, जब हम कॉलेज जाते हैं तो हमें कौन से टीचर्स दिखाई देते हैं, कौन से हमें दोस्त हमें मिलते हैं, तो एक ऑलरेडी हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेंसी रहती है उन चीज़ों को देखने की। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने साथ वालों को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं या फिर हमारे सामने से हमारे टीचर्स निकल जाते हैं, बट हमें इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हैं उन्हें कि वो वहाँ पर हमें मिलने ही मिलने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम फ़िल्टर आउट कर देते हैं उन चीज़ों को जिन्हें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान के चलो आप कहीं किसी मार्केट में जा रहे हो। अब मार्केट में आपको इतनी भीड़ में आपको नहीं पता कि आपको आपका कोई फ्रेंड मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको हाय करे या वो आपके सामने से निकल जाए बट आपको ध्यान ही ना जाए आपका। सो ये एक क्या है, एक परसेप्चुअल सेट है आपका कि आपको पता है आपको मार्केट में तो कोई मिलना है नहीं, तो आप अपने काम से निकल रहे हो, लेकिन जब उसने हाय करा आपको और आपने उसको इग्नोर कर दिया या आपने देखा ही नहीं उसे, तो इससे ये पता चलता है कि जब हमारी एक एक्सपेक्टेंसी होती है चीज़ों के प्रति तब हम उनको देख पाते हैं, बट जहां हम लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो वहां होंगे तो हम उन्हें काइंड ऑफ इग्नोर कर देते हैं या हम उन्हें परसीव नहीं कर पाते। लास्ट हमारे पास आता है हमारा कल्चरल बैकग्राउंड। ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे कल्चर से आ रहे हो, आप कैसे सोसाइटी से बिलोंग करते हो। तो क्योंकि ऐसा होता है कि कई से कल्चर्स ऐसे हैं या कई सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है लोगों के लिए, तो उनके लिए अगर थोड़ी भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो उन्हें बहुत बड़ी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये मान के चलो कि कुछ लोगों के लिए कॉलेज जाना इज़ ऑल अबाउट कि यार फ़न करेंगे, दोस्त मिलेंगे, मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे, बट वहीं सेम जो इंसान बहुत गरीबी से निकल के आया है, जो बहुत गाँव से आया है और जिसको शायद बहुत मुश्किलों से कॉलेज भेजा जा रहा है, उसके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है। उसे ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है और मैं कैसे आया हूँ वो वही जानता है। तो उसका परसेप्शन चेंज हो जाएगा कॉलेज के प्रति एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसको बहुत ही ईजीली कॉलेज जाने को मिल गया है। तो ये हमारा कल्चरल बैकग्राउंड होता है जहाँ पे हम चीज़ों को डिफरेंटली परसीव करते हैं और हमारा परसेप्शन जो है वो इन्फ्लुएंस कर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन। सो ये भी काफ़ी कॉमनली हमारे परसेप्शन में पूछा जाता है। तो ये एक रूबंस का वास एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने किया था, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को
किस तरीके से परसीव करते हैं कि कुछ फिगर्स हैं जो एक बैकग्राउंड के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, तो फिगर्स की कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं और ग्राउंड की कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं या बैकग्राउंड की कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं जो हमें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जो फिगर है यहाँ पे वो आपको दिख रही होगी आगे की तरफ, वो वाइट कलर का एक वाज है, लेकिन वहीं जब आप ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को देखोगे तो आपको लगेगा शायद ये किसी का फेस है और हमारा वाइट जो है वो बैकग्राउंड बन जाएगा। तो ये डिफरेंटली चेंज होते रहते हैं। नाउ फिगर जो है वो एक डिफिनेट फॉर्म की होती है, इसका एक शेप होता है, ऑर्गेनाइज्ड होती है और इसकी क्लियर आउटलाइन होती है। बट जो हमारा बैकग्राउंड है वो फॉर्मलेस है, उसका कोई शेप नहीं है, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। जैसे आप देख लो, अगर आपने वाइट वाले को फिगर माना है और ब्लैक वाले को अगर बैकग्राउंड में माना है, तो ब्लैक का कोई शेप है नहीं, है ना। तो सेम वही है, अगर आप ब्लैक वाले को आगे की तरफ रख लो और वाइट वाले को पीछे की तरफ रख लो, तो वाइट का कोई शेप नहीं है क्योंकि आगे फेस दिख रहे हैं हमें। सो बैकग्राउंड जो है वो फॉर्मलेस होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता, अनक्लियर दिखता है और लिमिटेड होता है। वहीं हमारी जो फिगर है, जैसा हमने देखा कि वो एक उसका एक फॉर्म होगा, उसकी क्लियर आउटलाइन होगी और वो ऑर्गेनाइज होती है। लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे अपना, दैट इज़ अबाउट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो हम परसेप्शन की बात करें और गेस्टाल्ट की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो सबसे पहले हमें ये जानना है कि गेस्टाल्ट जो वर्ड है वो एक जर्मन वर्ड है जो कहाँ से आया है, जिसको इसलिए यूज़ किया जाता था ये बताने के लिए कि कोई भी चीज़ जो है वो हमने साथ में रख रखी है, दैट इज़ ऑल अबाउट गेस्टाल्ट। एंड इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे तो इसका मतलब था फॉर्म या कोई शेप, ठीक है। तो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है ये एक ऐसा स्कूल है हमारे साइकोलॉजी का जो 20s में एमर्ज हुआ और जिन्होंने माना कि एक होल ऑब्जेक्ट जो है उसको आपको परसीव करना है या वो ज़्यादा बड़ा होता है उसके कंपोनेंट से, ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस लाइन है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की, दैट द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप एक साइकिल को ले लो, अगर आप साइकिल के सारे पार्ट्स को निकाल दोगे तो जब आप उन्हें मिलाओगे तो उनके पार्ट्स से ज़्यादा बड़ी होगी वो एक साइकिल जब वो बन जाएगी, रादर देन उसके अलग अलग पार्ट्स। सो गेस्टाल्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जिनको हम गेस्टाल्ट लॉज भी कहते हैं, और ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने अराउंड जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है उसको हम कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं। सो ये 6 लॉज हैं जिनको मैं आपको एक डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं हम अपना अगला कोर्स करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवरव्यू। तो ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ प्रेगनेंस, प्रॉक्सिमिटी, कंटिन्यूटी, क्लोजर एंड कॉमन रीजन, ये 6 लॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये यहाँ पे उनकी मैंने पिक्चर ऐड कर दी है। सो थैंक यू फॉर सो मच फॉर सीइंग द क्लास एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।